अस्सलाम वालेकुम। सैयद इजाज बुखारी चैनल के साथ दी गेस्ट शो की होस्ट फतिहा अशरफ आप सबकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो है मिस मुबशरा तैयबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। मैम, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच मिस फतिहा फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। जो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है वो है अदम बर्दाश्त पे। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ी पे अगर कोई सिग्नल लाइट हो गई है तो लोगों में बर्दाश्त नहीं रही, कि लोग एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, छोटी छोटी बात पे गाली गलौज शुरू हो जाती है, मारपीट हाथापाई तक बात पहुँच जाती है। ऐसा क्यों है? अदम बर्दाश्त बेसिकली है क्या? अच्छा, अदम बर्दाश्त बेसिकली हम इसको कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज़ अभी चाहिए और इसी वक्त चाहिए, अगर वो मेरी वांट्स और नीड्स के मुताबिक वो चीज़ नहीं हो रही तो हमें फ़ौरन से स्ट्रेस होना शुरू होता है और स्ट्रेस हमारा समटाइम्स तब्दील हो जाता है एंगर में, एंगर फिर हमारा नेक्स्ट फ्रस्ट्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन से फिर हम एग्रेसिव होते हैं और फिर हमारा एग्रेशन बाहर आता है। जो आपने बात की ना कि मारपीट होती है, हाथापाई होती है, तो वो एग्रेशन आपका लेवल है कि आप किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं, फिजिकली आप किसी को जो है वो आप मारपीट कर रहे हैं और उसी की वजह से जो है वो फिर आपकी फर्दर चीज़ें जो है ना वो लाइफ की ख़राब होती हैं। तो बेसिकली हमें आजकल के तो वैसे ही ज़माने में हम कहते हैं कि ये चीज़ जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मुझे वैसे ही मिलनी चाहिए। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर हमारा जो एक पर्सनालिटी हमारी ऐसी बन चुकी है, और कुछ हमारे इसमें कम्युनिटी, सोसाइटी और हमारी फैमिली का भी बहुत रोल होता है कि अगर हमारे अंदर टॉलरेंस लेवल नहीं है। तो मैडम, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि आजकल ये इशू ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि अगर हम पास्ट में बात करें, लोग बहुत सी बातों को लेट इट गो कर देते थे, लेकिन आजकल क्यों? कहीं इसमें सोशल मीडिया का किरदार तो नहीं है? अच्छा, जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो ज़रूर इसमें सोशल मीडिया का भी किरदार है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत पोलराइजिंग कंटेंट जो है वो दिखाया जा रहा है और हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, स्क्रीन पर जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल वो एक पोजीशन पर पहुंचकर उन्होंने अपनी जो लाइफ है ना उसको पोर्ट्रे करना शुरू किया, डिस्प्ले करना शुरू किया ऑन स्क्रीन। अब जो हम जैसे लोग जब देखते हैं तो हम ये चाहते हैं हमें भी ये चाहिए और हम उसके लिए मेहनत थोड़ी करते हैं, एफर्ट्स थोड़ी पुट करते हैं, लेकिन हमें आउटकम और रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए। आजकल की जो यूथ है ना वो अगर कारोबार शुरू करेगी ना तो वो कहेगी मुझे अभी ही मुनाफा चाहिए, मुझे अभी मुनाफा क्यों नहीं मिल रहा। अगर हमने कोई जॉब की है या कर रहे हैं तो प्रमोशन हमें 4 महीने के बाद ही फॉरेन से चाहिए, हमारी पे क्यों नहीं बढ़ी। इसका मतलब ये है कि आजकल जो है वो हमारे अंदर एक जो बिल्कुल तेजी का जज्बा है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जल्दबाज बहुत है, हर चीज अभी इसी वक्त अभी चाहिए हमें। अगर फॉर एग्जांपल आप देखें रिलेशनशिप में भी, अगर आप देखें तो क्या चीजें हैं जो एक्सपेक्टेशंस है वो फॉरन से फुलफिल नहीं है, हमें कुछ चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है, सबर रिक्वायर्ड होता है कि आपने अगर कुछ इनपुट ऐड की है तो उसकी आउटपुट का हमें वेट करना चाहिए आंटी डालस कि वो हमें उसके रिजल्ट्स मिल ना जाए। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर ये इनपुट मैंने अभी डाली है तो मुझे इसके रिजल्ट्स भी अभी मिलने चाहिए, तो इसकी वजह से जो है वो आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में जो लोग थे उनमें तहम्मुल ज्यादा था, सबर ज्यादा था। आप हमारे घरों की बात करें, मतलब हमारी माएं हमें ये बताती हैं, फादर्स बताते हैं कि हमने कितना कुछ बर्दाश्त किया लेकिन खुश थे, क्योंकि जितना था उसी में खुश थे, क्योंकि हमारी जो ख्वाहिशात थी, हमारी जो जरूरियात थी, वो ऐसा नहीं था कि आज एक पूरी हुई तो कल हमारी नई ख्वाहिश ने जन्म ले लिया। ख्वाहिशें पहले भी होती थी लेकिन अगर नहीं पूरी होती थी तो हम उस पर कोई इतना रिएक्ट नहीं करते थे। आजकल की जो यूथ है या फिर आजकल के जो लोग हैं वो अगर हमारी कोई ख्वाहिशात, हमारी जरूरियात उस टाइम पर फुलफिल नहीं हो रही तो हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कौन से लोग मायूस हैं? जिन लोगों को फॉरन रिजल्ट नहीं मिला, फॉरन नौकरी नहीं मिली, उस जगह शादी नहीं हुई जहां पर मैं चाहता था या मैं चाहती थी, मेरी शादी को 1 साल हो गया, बच्चा क्यों नहीं पैदा हो रहा। इस तरह की इतनी चीजें हैं जो डे बाय डे इतनी बढ़ चुकी हैं और जिसकी वजह से आजकल आपने देखा होगा कि आपके हमारे जो जितने भी नौजवान नस्ल है उनमें अदम बर्दाश्त की वजह से जो नफ्सियाती मसाइल हैं, एंजाइटी, एग्रेशन, एंगर, डिप्रेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो इसमें बहुत सी चीजों में सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, डेफिनेटली सोसाइटी भी आपको प्रेशर करती है कि भाई आपकी शादी क्यों नहीं हो रही, तो वो ज्यादा मेंटल। तो मैम, कौन कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो कि अदम बर्दाश्त की वजह से लोगों में आते हैं? अच्छा, जैसे अभी कि मैंने पहले भी बात की है कि अगर आप में इनटॉलरेंस है
तो लीड्स करेगा टूवर्ड्स एंगर, आपको गुस्सा जल्दी आएगा क्योंकि आपकी वो चीज फौरन से पूरी नहीं हो रही, आपकी वो जरूरत पूरी नहीं हो रही, आपकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, जिस ताल्लुक से आपको जो तवक्कुआत थी वो तवक्कुआत उस तरह से पूरी नहीं हो रही, तो वो भी आपको लीड्स करेगा टूवर्ड्स इनटॉलरेंस। गुस्सा, आपका एग्रेशन, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी कहीं ना कहीं लैंग कर रही होती हैं इनटॉलरेंस से। क्योंकि अगर देखें मायूसी किन लोगों को होती है, ठीक है, उन लोगों को होती है जो ये समझते हैं कि ना मैं खुद जो है वो काबिल हूँ, ना मैं खुद हुनरमंद हूँ, मैं एक बेकार हूँ, मेरे इर्द गिर्द के लोग भी बेकार हैं, ये दुनिया भी मेरे लिए बेकार है, और उसको सब जो है वो काला नजर आता है, उसकी जिंदगी में सवाए अंधेरे के उसको कुछ नजर नहीं आता। तो अब उसके अंदर क्या होगा, मायूसी ज्यादा आएगी। और अगर वो इंसान फिर कहीं ना कहीं एंजाइटी का भी शिकार होता है, क्यों, उसको लग रहा है मेरा माजी जो था वो अंधेरे में था, आज हाल तो पहले से ही अंधेरे में है, और जो मेरा मुस्तकबिल है उसका भी मुझे कहीं पर कोई रोशन सितारा नजर नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से जो है वो कहीं पर लोगों में जो है वो इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा मैडम, बर्दाश्त जो है वो इंसान में बचपन से डेवलप होता है, कि पर्सनालिटी का हिस्सा होता है, तो इसमें घर की तरबियत और घर का एनवायरनमेंट वो चीज कितनी मैटर करती है? मुझे तो लगता है सबसे पहले मैटर ही घर की तरबियत करती है, लेकिन मेरे अंदर लेट सपोज कि टॉलरेंस लेवल ज्यादा है तो दैट मीन्स कि मैंने अपने घर में देखा है, मैंने अपने अब्बा जान को कभी चीखते हुए नहीं देखा, लिटरली हमारे घर में कभी भी मेरे अब्बा जान ने कभी ऊंची आवाज में मेरी अम्मा से बात नहीं की, और मेरी जो अम्मा है उन्होंने मेरे अब्बा से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे बहन भाइयों में कभी लड़ाई भी होती थी बचपन में, तो मेरी अम्मा ये कहती थी कि बातचीत से आप उसको सुलझा रिजोल्व कर सकते हो। आजकल आपको पता है बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे को मारते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या देख रहे हैं, स्क्रीन पर, स्क्रीन पर वो जो कार्टून्स देखते हैं या फिर जिस तरह की वो मूवीज देखते हैं उनमें, और जो वो गेम्स खेल रहे हैं, अब उनमें ज्यादा क्या दिखाया जा रहा है, मारपीट दिखाई जा रही है गन से। अब बच्चा रियल लाइफ में उस एक्सपोजर को लेके आता है, वो मारपीट करते हैं, गालियां देते हैं, मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है गालियां देते हो, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था, हमारे जमाने में तो हमारी मदर्स जो थी उन्होंने शायद हमारे मुंह से कभी गाली सुनी नहीं। तो वो जो घर का एनवायरनमेंट है ना वो बहुत मैटर कर रहा होता है कि आपके पेरेंट्स किस तरह से हैं। आप सर्वे करके देख लें जिन बच्चों में इनटॉलरेंस लेवल ज्यादा है, एग्रेशन ज्यादा है, आई नो कि सोशल मीडिया का भी रोल है, कम्युनिटी का भी रोल है, कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन का भी बहुत उसमें, एजुकेशन सिस्टम में बहुत रोल है, लेकिन ज्यादा रोल आपके घर का होगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम एक बच्चा जो है वो घर स्पेंड कर रहा है, और घर के दादा दादी और घर के बड़े लोग अगर उसके सामने गुस्सा कर रहे हैं, उसके सामने चीख रहे हैं, उसके सामने गालियां दे रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, तो बच्चा जो है वहीं से वो सीख चुका है कि नेक्स्ट टाइम अगर मेरी भी बात नहीं मानी जाएगी, मैंने भी अगर किसी से बात करनी और मेरा जवाब वो नहीं देगा जो मैं चाहता हूं, तो वो क्या करेगा, गुस्सा करेगा, चीखेगा, और अगर आपने उसकी बात नहीं मानी, आजकल के बच्चे देखे वो अपनी मदर्स को मारते भी हैं और फादर्स को भी मारते हैं, आप मॉल्स में भी, हाँ आप मॉल्स में भी चले जाएं, तो बच्चे जिद पहले भी करते थे, लेकिन आजकल जो है वो चीजें एग्रेसिव ज्यादा नेचर हो चुकी है हमारे बच्चों में, तो घर का बहुत जरूरी रोल है। अच्छा, एक सर्वे भी किया था उसमें ये चीज भी काफी ज्यादा हाईलाइट हुई थी कि इंसान हमेशा अपने से कम वाले पे ही गुस्सा निकालता है, कि अगर मालिक है तो वो नौकर पे और बीवी है, तो इसमें क्या साइकोलॉजी है? अच्छा, इसमें साइकोलॉजी ये है कि अगर हमें ये पता हो ना कि दूसरा बंदा मुझे कहीं ना कहीं फायदा दे रहा है और मैं अगर उसके सामने गुस्सा करूंगा तो मुझे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि पहली दफा जब मैंने उसके सामने गुस्सा किया था ना तो उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने कहा बच्चा है, एक माँ है ना अगर माँ के सामने एक बेटा गुस्सा करता है ना तो वो ज्यादा बॉदर नहीं करती, डांट देगी हल्का सा और फिर दोबारा से उसको खाना दे देगी, उसकी मनपसंद की चीज मंगवा देगी। आप बॉस के सामने गुस्सा करें, अगर आप बॉस के सामने गुस्सा करेंगे और वैसे ही बात करेंगे जैसे आपने अपनी मदर से बात की है, तो बॉस क्या करेगा, वो आपको नौकरी से निकाल देगा, वो कहेगा मैं आपकी बदतमीजी, आपका एग्रेशन मैं बर्दाश्त। आपको मजबूरन भी अपने बॉस की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है, आपको मजबूरन जो है वो अपने बॉस के सामने आपने नहीं बोलना होता क्योंकि आपको डर होता है कि यहाँ से मेरी नौकरी जाएगी, नौकरी जाएगी तो पैसा जाएगा, पैसा जा रहा है तो घर का सुकून जा रहा है, सुकून जा रहा है तो बच्चों की फीस नहीं जाएगी, वो साइकिल ऐसा पूरा चल रहा है। लेकिन आप देखें घरों में, मैंने खुद देखा है क्योंकि मेरे क्लिनिक पर ऐसे मरीज आते हैं, मदर्स ये रिपोर्ट करती हैं कि उनके बच्चे उनको मारते हैं, उनके बच्चे उनको गालियां देते हैं, लेकिन मदर ने कभी घर से बाहर नहीं निकाला, बॉस निकाल देगा, मदर को तो आप पैसे नहीं दे रहे, ऐसी बात तो नहीं ना कि मदर ने आपको पैसे देने हैं। तो वो ये बात है कि एक मालिक को भी पता है कि ये तो बेचारा मजबूर है,
इसने मेरे सामने जो है अगर मैंने इस पर गुस्सा कर लिया तो ये कहीं भी नहीं जाएगा क्योंकि इसकी मजबूरी है। ऑलरेडी जब हम ये पता होता है ना कि जी हम अब हमें जब ये पता चल जाए कि अगले बंदे की जरूरत है, अगले बंदे की मजबूरी है, तो हम उनकी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाते हैं, तब हम उन पर चीखते हैं, गालियां देते हैं, मारते भी हैं, लेकिन हमें पता होता है कि उस बेचारे को तो पैसे चाहिए अपनी जिंदगी की रोजी रोटी कमाने के लिए, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए जो एक मालिक है वो नौकर पर गुस्सा करता है, ठीक है, और जो बच्चे हैं वो अपनी माँ पर गुस्सा करते हैं। आप देखिए कितनी माएं जिन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ गुस्से की वजह से घर से निकाल दी। नहीं, आपने तो ये भी सुना होगा कि बेटियां अपनी माओ से कह रही होती हैं बकवास ना करें। मैंने जब ये लफ्ज सुना ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि, और इसी तरीके से जो बच्चे हैं स्पेशली मेल की रेशो बढ़ चुकी है, जो आपने पहले तो ये होता था कि वो अपनी मदर्स के सामने जवाब देते थे, अब तो वो अपने फादर के सामने भी जवाब देते हैं और बड़ा क्लियर कट। और बच्चे कोई, मैं बड़े बच्चों की नहीं बात कर रही, टीनेजर्स, अब हम बड़े हो चुके हैं, आप हमें सिखाएंगे, आप हर वक्त जो है वो नोका टोकी करते रहते, मैंने आपकी बात नहीं बात नहीं सुनते बिल्कुल।